नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्रा। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी। कोरोना वायरस ने पहले अप्रैल मई में स्पेन, इटली और ब्रिटेन में कहर बरपाया। इसके बाद अब एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी देशों में इस वायरस ने जिंदगी बर्बाद करना शुरू कर दिया। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पूरी दुनिया में 2,14,000 नए मामले सामने आए, जबकि 4,096 लोगों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर नजर रख रही वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 1,64,00,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले आ चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 6,50,000 को पार कर गई। अभी तक 6,51,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,00,00,000 के पार पहुंच गया। दुनिया भर में अभी भी 57,00,000 एक्टिव केसेस हैं और इनका इलाज जारी। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहाँ अब तक 43,71,000 से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार, जबकि 1,49,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 55,000 से ज्यादा नए केसेस आए, जबकि 455 लोगों की मौत हुई। वहीं ब्राजील में भी कोरोना का कहर बरकरार। ब्राजील में संक्रमण के मामले 24,00,000 के करीब पहुंच चुके हैं, जबकि 87,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दुनिया के 18 देशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,00,000 के पार पहुंच चुकी और दुनिया की मानव सभ्यता इस किलर कोरोना को रोक पाने में असफल है।